बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह को दो घंटी बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। स्कूल की घंटी सुनकर के आप अपने बच्चों को तैयार करके कमर पे बैग टांग करके स्कूल भेजोगे तो वो पढ़ लिख करके अफसर बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, समाज का और परिवार का नाम रोशन करेंगे। अगर मंदिर की घंटी सुनकर के वो मंदिर में जाएंगे तो मांगने वाले बनेंगे और भिखारी बनेंगे। तय आपने करना है कि आपको क्या बनना है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। आज सावन का पहला दिन है, यानी कि आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई से सावन मास जो है वो शुरू हो गया है। सावन में सोमवार के दिन का बहुत महत्व होता है और जो पहला सोमवार होता है उसके लिए लोग पहले से अतिरिक्त तैयारियां करके रखते हैं और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। तो आज सोमवार भी है और सावन का पहला दिन भी है, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन जो है वो बहुत ही पूजनीय है। आज से बहुत सारे लोग जो है वो मांस नहीं खाएंगे, यानी मीट किसी भी प्रकार का नहीं खाएंगे, दारू का सेवन नहीं करेंगे, शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। ये बात अलग है कि भांग, चरस, गांजा जैसे सूखे नशे जो हैं उनको करेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दो दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन आपको बताई और उसके बाद में जो सावन का महत्व आपको समझाया, तो आप समझ गए होंगे कि अंधविश्वास और अंधविश्वास में दलित समाज की जो भागीदारी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नकारते हुए किस प्रकार से बड़े पैमाने पर फल फूल रही है। इस दिशा में ना तो कोई सामाजिक संगठन काम कर रहा है और ना ही कोई राजनीतिक दल, जो ये दम्भ भरते थे कि हमारी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है, तो आज उनका जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। दो तीन दिन से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा जिस प्रकार से कांवड़ वालों में कांवड़ लाने की होड़ मची है और लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार से जल ला करके अपने निवास स्थान के निकट भोले के मंदिर में, यानी शिव के शिवलिंग पर उस जल को चढ़ा करके अपने आप को सुरख की अनुभूति महसूस करते हैं। वो दौर दो तीन दिन से शुरू हो गया है और बहुत जल्दी शिवरात्रि का जो महापर्व है वो आने वाला है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तुगलक की फरमान सुनाया था, जिसको लेकर के विवाद हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि जहां से जल, यानी हरिद्वार से लेकर के और जहां तक भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा में कांवड़िया गुजरेंगे, चाहे तो वो मोदी नगर और मुरादनगर और मेरठ वाला रास्ता हो, चाहे वो अन्य कोई रास्ता हो, गजरौला वाला रास्ता हो, उन रास्तों पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं वो दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखा जाएगा। अगर कोई फल की ठेली लगाता है तो फल की ठेली वाले को अपना नाम लिखना पड़ेगा। अधिकतर आपने देखे होंगे ढाबे और ज़्यादातर छोटी मोटी दुकानों पर काम करने वाले लोग या जिनके वो ठेली लगी हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। इसको एक दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम जब फल बेचेगा, मुस्लिम जब छोटे मोटे ढाबे चलाएगा, तो उसका धंधा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसको हानि पहुंचाने का जो है वो एक जुगाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए और रिजल्ट में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट के परिणामों को देख करके बेचैन है, तो वो इस प्रकार के तुगलकी फरमान सुना रही है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार और योगी सरकार को बहुत तगड़ी फटकार लगी है और अब सरकार सदमे में है। तो ये बात तो सरकार की हो गई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कोटेशन मैंने आपको सुनाई उस पर मैं आ जाता हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक कांवड़िया का बहुत वायरल हो रहा है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। मैंने जो कांवड़ ठा रखी है वो बाल्मीकि समाज के लिए ठा रखी है। कुछ अदर कास्ट जो बड़ी कास्ट होती है वो बाल्मीकि समाज को लेकर कुछ बोलते हैं कि छोटी कास्ट के लड़के कुछ नहीं कर पाते, और जो ये कांवड़ हमारी जो है 55 लीटर, 2 क्विंटल 55 लीटर की है, ये सबसे भारी कांवड़ है गौरव भाई गहलोत। ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। ये कह रहा है कि मैं जाति से वाल्मीकि हूँ, नाम गहलोत बता रहा है। तो गहलोत वाल्मीकि होते हैं और दिल्ली NCR में पाए जाते हैं। वाल्मीकि समझ ही गए होंगे आप, दलित समाज की सफाई करने वालों की, यानी मैं जिसको दूसरी भाषा में शुद्ध रूप में भंगी भी कहा जाता है, वो जाति अपने आप को कह रहा है वो कांवड़ वाला कि ये 55 किलो
का जल है जो मैं हरिद्वार से लेकर के आया हूँ और इसको वहाँ तक लेकर के जाऊँगा जहाँ मुझे इसका जल अभिषेक शिवलिंग पर करना है। वो इतनी आस्था के साथ इस जल को ला रहा है और उसके साथ साथ जो बात उसने कही वो बड़ी मार्मिक है। उसने कहा है कि लोग जो उच्च जाति के लोग, मतलब उसको इतना तो पता है कि तू नीची जाति का है, उसको ये पता है कि तू नीची जाति का है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि जो ऊंची जाति के जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हमको नीचा मानते हैं और ये जो कावड़ है ये सारे वाल्मीकि समाज के लिए कावड़ है, तो वो कावड़ लेकर के अपने आप को ऊंची जाति वालों को जवाब देना चाहता है। इस संदर्भ में मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कह चुके कि कितने भगवान, कितने देवी, कितने देवता, कितने महात्मा इस धरती पर आए, वो शूद्रों का और अछूतों का भला नहीं कर पाए हैं, तो इतनी सी बात आखिरकार लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है। दूसरी तरफ मैं कहूँ कि इस प्रकार के कार्यकलापों से क्या फ़ायदा या क्या होने वाला है, ये विचारणीय प्रश्न है। हर साल कांवड़ियों के द्वारा लाए गए जल से और चढ़ाए गए शिवलिंग पर जल से को लेकर के आपत्ति भी होती है, झगड़े भी होते हैं और अन्य बहुत सारी जगह कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर दलितों के द्वारा लाए हुए जल को मंदिरों में नहीं चढ़ाने दिया जाता है, वो भगवान जिस भगवान के लिए आप जल लेकर के आए हो और आप आज़ादी के 75 साल के बाद भी वाल्मीकि समाज अगर नालियों में उतरने को मजबूर है, नालियों में उसकी जो है एक तरीके से मैं कहूँ कि सरकार के षड्यंत्रों के तहत सरकार चाहे तो मशीनों से सफाई कर सकती है, लेकिन वो समाज आज भी दिल्ली जैसे शहर में नंगे बदन नालियों में उतर करके नालों की सफाई कर रहा है, उसके बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी पत्नी और पति दोनों जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, वो मूल धारा में साबित नहीं हो पाए, तो क्या जिस प्रकार से इसमें वाल्मीकि भाई कह रहा है गहलोत कि ये वाल्मीकि समाज की कावड़ है और ये मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो हमें नीचा समझते हैं, तो क्या इस प्रकार की कावड़ लाने से वाल्मीकि समाज मुख्य धारा में शामिल हो सकता है या वाल्मीकि समाज का भला हो सकता है या वाल्मीकि समाज का भला जो है भंगी जाति का जो भला है वो भला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। आखिरकार क्या कारण है कि आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी वाल्मीकि समाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं समझ पा रहा है और वाल्मीकि समाज क्यों जो अन्य बहुत सारी जाति जो हिंदूवादी व्यवस्था में लिप्त हैं, चाहे वो चमार है, चाहे चमारों की अन्य जाति है, चाहे खट्टी है, चाहे पासी है, दलितों की जो मतलब कई सौ जातियां हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू मान करके चल रही हैं, जब उनका शोषण और अत्याचार होता है तो वो कहते हैं कि हम दलित हैं, हमारा शोषण और अत्याचार इसलिए हो रहा है, लेकिन जब कुछ ना तो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान है ना एक मूल धारा में शामिल होने के लिए उनको क्या बेहतर करना चाहिए उस तरफ उनका ध्यान है और वो कांवड़ ला करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम 55 किलो जल की कांवड़ लाएँ, अब हम किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों से कम नहीं है, तो मैं इसको अज्ञानता कहूँगा और इस प्रकार के जो लोग हैं मैं इनको मंदबुद्धि कहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, दीना भाना को और तो और जो अपने ही वाल्मीकि समाज में जो प्रचारक हुए हैं, जहाँ वीर सिंह बहुत जैसे या अमित भंगी जैसे जो लोग दिन रात वाल्मीकि समाज को इस गुर्वत से और इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से बाहर निकालने में लगे हैं, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालने में लगे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं बल्कि उसी ब्राह्मणी व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था इनको नीच और इनको अछूत कहती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।